तीर्थ यात्रा पे आज के छठी पेशी मौजूद हो, जहाँ पे हर साल माघ मेले का आयोजन होता है। और ये सहयोग में कहा जाए कि माघ मेले के आयोजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी नजदीक, सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ जनता के बीच अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं। हर कोई अपनी जो सरकार है या सरकार जो बन चुकी है, बनने वाली है, जिनका कार्यकाल है, सभी अपने एक वाहवाही रूप रहे हैं और जनता के बीच जाके अपने कामों को गिना रहे हैं। आज हम माघ मेला क्षेत्र में है और हमारे साथ प्रयागराज के पवन धरती में रहने वाले यहाँ के जो कवि हैं, आज उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से विधानसभा चुनाव में कवियों का रुझान तैयार होगा और कवि किस तरह से अपने कविता के माध्यम से वर्तमान सरकार या बनने वाली सरकार को किस तरह से अपील करेंगे। तो हमारे साथ हम इनसे पहले बातचीत करेंगे योगेश जी, कवि झुनझुनवाला के नाम से, झमा झमा वाले के नाम से जाने जाते हैं। तो योगेश जी, पत्रिका उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप जनता के सीधे आप रूबरू होंगे और कहिए किस तरह की आप सरकार चाहते हैं कविता के माध्यम से। मैं तो पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक कवि हूँ। एक कवि का जो कर्तव्य होता है वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं, पीछा ठीक कवि जन समुदाय की बात को अपने साहित्य में पिरो कर रखता है कि प्रेम के आकार और भक्ति के भाव में श्रद्धा से भरे हुए आस में है राम, ज्ञानी विज्ञानियों के तेज में विराजमान, सूर्य वश सूर्य के प्रकाश में है राम, हिये में ध्यान धरो घट घट वासी हैं ये हनुमान वक्ष के आकाश में है राम, हनुमान वक्ष के आकाश में है राम, एक निषाद की मित्रता और केवट के नाव में सबर के बेरों की मिठास में है राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो सारी सूचनाएं मिलती होंगी, एकदम मतलब 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से कमल का फूल खिलेगा कि साइकिल की सवारी होगी कि हाथी चलेगी कि पंजा आएगा, मतलब सारी चीज़ें एकदम माहौल बना हुआ है और माघ महीना में देश दुनिया के लोग यहाँ आएंगे। लेकिन प्रयागराज के कवियों का भी बड़ा लगाव रहा है, वो 4 पंक्तियाँ लिखकर सरकार पर निशाना साधना या सरकार की कामों का गुणगान करना प्रयागराज के कवि लगातार करते रहे। तो आज मैं आपसे पूछूंगा, आप किधर हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाई साहब, मैं सीधे राम राज्य की तरफ हूँ। जो उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएगा वही फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। अगर सपा ला सकती है तो सपा की सरकार बनेगी, बसपा ला सकती है तो बसपा की सरकार में, और भाजपा ला ही रही है तो उसके लिए क्या कहना, तो जन जन जान रहे हैं। तो मेरा बस यही है कि भाई सुशासन और रामराज आना चाहिए और हम उसी उन्हीं की सरकार बनाएंगे। चार लाइन बस मैं यही कहना चाहूँगा। इधर देखिएगा कि जिस कमल को स्वयं सूरज उगाए, जिस कमल को स्वयं सूरज उगाए उसको अंधेरे से क्या डरना, जो दरिया में ही रहता हो उसको क्या डुबोगे, जो दरिया में ही रहता है उसको तुम क्या डुबोगे। तो समाजवादी जब उन्होंने बोला कि 2014 के पहले उनकी सरकार थी तो शिक्षा नीति रोजगार डेवलपमेंट एक्सप्रेस वे हाँ स्वास्थ्य अस्पताल सारी चीज़ें वो तो गिना रहे हैं, और वो तो ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी उस पर बस क्या है लोकार्पण कर रही है और ये काम समाजवादियों का। भाई साहब, जब सरकार जाने लगती है तो लोकार्पण बहुत लोग कर देते हैं, उसको पूरा करना ये सबसे बड़ी बात है, फंड को जुटाना बड़ी बात है। उनकी सरकार जो है इससे पहले जो है गुंडा माफियाओं की सरकार रही है, भ्रष्टाचारियों की सरकार रही है। मतलब समाजवादी पार्टी में गुंडा नेता है, गुंडा नेता नहीं है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी में गुंडा नेता कोई नहीं। देखिए, जहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, अगर हैं तो उन्हें कोई ना टिकट मिलता है, वो बिल्कुल किनारे रखे जाते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, बस 4 पंक्तियों में मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि योगी में हम हिंदू का असर देख रहे हैं, योगी में हम हिंदू का असर देख रहे हैं, यूपी में एक शेर बबर देख रहे हैं, यूपी में एक शेर बबर देख रहे हैं,
और तिनके सभी उड़ जाएंगे अब की चुनाव में, तिनके सभी उड़ जाएंगे अब की चुनाव में, क्योंकि बाबा का हम हिंदू में असर देख रहे हैं, बाबा का हम हिंदू में असर देख रहे हैं। अरे मित्रों, मैं सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो अवधपुरी के लाल सुनो, ब्रज के बाके बलवान सुनो, बुंदेली भू के फूत सुनो, बुंदेली भू के फूत सुनो, पश्चिम के वीर जवान सुनो, भारत माता के भक्त सुने, हिंदू धमनी का रक्त सुने, जिस योगी ने उत्तर प्रदेश की अब तक डोर संभाली है वो खुद में सत्य सनातन की अछूत अचूक रखवाली है। अरे सत्ता में न्याय प्रशासन में ना भाई भतीजाबाद रहा, योगी की आंख में केवल अनुशासन जिंदाबाद रहा, योगी की आंख में केवल अनुशासन जिंदाबाद रहा। अरे वाह वाह भाई, मैं प्रयागराज से अमित जौनपुरी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित जौनपुरी साहब थे, एकदम शानदार अंदाज में उन्होंने बीजेपी का गुणगान कर दिया और उन्होंने यह भी बता दिया कि 10 मार्च को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और प्रयागराज की कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके लिए वो कविताएं लिख रहे हैं, जनता को जागरूक भी करें। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।